गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 12 फॉर IBBS 2019 सिक्स मंथ प्रिपरेशन प्लान जो हमारा है. ये जो हमारा क्विज है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज क्विज एंड इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्विज से. क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. डायरेक्शंस 1 to 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. Some words are given in bold to help you answer some of the questions given below. अगर आप ये passage पढ़ें, first of all, जो passage की theme है, that is climate change and its इम्पैक्ट. ये थीम है पूरे पैसेज की, पैरा 1, पैरा 2 और ये 5 पैराग्राफ्स पे बेस्ड है. क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ये थीम है पूरे पैराग्राफ की. और जितने भी G20 समिट हुए हैं और जितनी भी कंट्रीज हैं उनका क्या इनिशिएटिव रहा है इस पूरे नोशन पे, और यूएन का क्या टेक है, और डिप्लोमैट्स और जितने भी पर्सनालिटीज हैं, चाहे कंट्रीज हैं, चाहे उनके डिप्लोमैट्स या लीडर्स या जितने भी डिग्निटरीज हैं, उनका क्या रिस्पांस है इस चीज़ को लेकर, इस नोशन को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है. तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये इशू कोलाइड करता है, इसको लेके भी ये पैराग्राफ या ये पैसेज इस चीज़ को भी डील करता है. तो यही पूरे पैराग्राफ की थीम है या इसी से ही पूरा पैसेज डील करता है. तो पहले अगर आप ये पूरा बड़ा सा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. हाउ द चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया रियलाइज्ड अबाउट द फैक्ट दैट पॉलिटिकल लीडर्स are not serious about the environmental crisis. अगर हम पूरा पैराग्राफ देखें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम ढंग से देखें तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा. उसमें एक लाइन है, द समिट शोड नो कंसेंसस ऑन क्लाइमेट चेंज प्रूविंग द पॉइंट द चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया हैज मेड दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट सीरियस अबाउट द एनवायरमेंटल क्राइसिस. उस हिसाब से जो बी है वो हमारा आंसर है. तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द चिल्ड्रन इन ऑस्ट्रेलिया वांट टू कन्वे थ्रू देयर प्रोटेस्ट मार्च. तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, फर्स्ट पैराग्राफ को अगेन कंसिडर करेंगे, उसकी जो लास्ट लाइन है उसको कंसिडर करते हुए उसमें है कि देवर कन्वेइंग द फीलिंग दैट नेचुरल कैटास्ट्रोफ वुड मेक एकेडमिक अटेनमेंट मीनिंगलेस. तो ऑप्शन ए एंड सी. ऑप्शन ए और बी को अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें इग्नोर होती हैं और आंसर सी है हमारा. तो इसका आंसर हो जाता है सी. क्वेश्चन नंबर थ्री का हमें जो आंसर है, विच ऑफ द नंबर्ड पैराग्राफ्स कन्वेज दैट द चिल्ड्रन कैरिंग आउट द प्रोटेस्ट मार्च हैव फिगर्ड आउट दैट द टर्म क्लाइमेट चेंज मीन्स लिटिल टू देयर पॉलिटिकल लीडर्स. ये जो कन्वेंस है या ये जो सिग्निफाई किस पैराग्राफ में होता है आपको ये बताना है. तो ये सिग्निफिकेशन हमें मिलेगा पैराग्राफ नंबर
टू में, तो इसका आंसर है बी। अगर आप पैराग्राफ में देखें तो रिसोर्सेज मिनिस्टर मैट कैनवान रिस्पॉन्स वॉज शार्पर। ही सेड स्टूडेंट शुड बी लर्निंग अबाउट जियोलॉजी एंड माइनिंग रादर देन प्रोटेस्टिंग ऑन स्ट्रीट्स। तो बहुत क्लियरली सिग्निफाई किया गया है पैरा टू में। वॉट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलर पॉलिटिशियंस लाइक मिस्टर कैनवान एंड डोनाल्ड ट्रम्प रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। तो पैराग्राफ या पूरे पैसेज के हिसाब से अगर हम थर्ड पैराग्राफ में देखें तो ये ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज इट इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग फॉर मेनी ऑफ द पीपल टू हार्मोनाइज द नोशन ऑफ क्लाइमेट विद द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज। ए पीपल थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ बिकॉज क्लाइमेट इज अ परमानेंट टर्म अनलाइक वेदर विच कीप्स ऑन चेंजिंग बट नॉट द क्लाइमेट। बी पीपल आर स्टबर्न अबाउट द एटीट्यूड, दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द क्लाइमेट चेंज इज द एग्जिस्टिंग टर्म। सी पीपल इन द चाइल्डहुड रीड क्लाइमेट एज परमानेंट फ्रेम विद इन विच वी स्टडी चेंज इन वेदर कंडीशंस टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। डी बोथ ए एंड सी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है डी बोथ ए एंड सी। अगर हम पैरा नंबर 3 को देखें तो वहां आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ए और सी आराम से इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड एनवायरमेंटल कंसर्न्स बट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एज मेंशन इन द फोर्थ पैराग्राफ। तो आपको इसका मीनिंग बताना है इस फ्रेज का जो पैरा नंबर 4 में है। तो इसका मीनिंग साफ है डी। बी एंड सी मतलब बी और सी, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों सिग्निफाई करते हैं। तो आंसर इज डी, ए नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग विद हाईलाइटेड वर्ड अनरूली। अनरूली मतलब समथिंग दैट इज वाइल्ड और के नॉट बी रूल्ड, मतलब किसी को आप के नॉट बी कंट्रोल्ड एक तरह से। तो यहाँ हम देखें हर वर्ड डिसऑर्डरली अनऑर्गेनाइज अनमैनेजेबल रूल नहीं हो सकता, वाइल्ड राउडी, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपको ऑपोजिट बताना है। तो डिसिप्लिन नहीं होता, ये एंटोनिम होता है इसका या ऑपोजिट होता है ई। तो आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग विद द हाईलाइटेड वर्ड रिकनसाइल एज गिवन इन द पैसेज। रिकनसाइल का मतलब होता है कमिंग टुगेदर या एक तरह से जुड़ना या कोलैबोरेट करना, स्ट्रेंज अलग हो जाना। अगेन एंटोनिम है एलिनिएट, अगेन सेम हार्मोनाइज सेम मीनिंग। कॉकस अगेन एंटोनिम है, कबाल अगेन एंटोनिम है, तो एक तरह से सेम मीनिंग है। आंसर इज सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डायरेक्शंस 9 to 15। ये नया पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। सम वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। तो आजकल मोस्ट ऑफ द बैंकिंग न्यू पैटर्न है ये आरसी का, जो आजकल ऑलमोस्ट हर एक बैंकिंग एग्जाम में फॉलो हो रहा है। ये न्यू तरह आरसी में नए सिर्फ क्वेश्चन आन क्यूए फॉर्म में नहीं आते, क्वेश्चंस आजकल अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ बोल्ड में होते हैं वर्ड्स या ब्लैंक फॉर्म में होते हैं। तो पैटर्न्स चेंज कर दिए गए हैं क्वेश्चंस के, तो उसी फॉर्म में ही क्वेश्चंस हैं। और अगर हम पूरा पैसेज को पढ़ें तो इट्स बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर।
आईटी या टेक्नोलॉजी थीम है पूरे पैराग्राफ की। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स एज अ सर्विस मॉडल एक्सप्लेन इन द अबव पैसेज। तो अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ देखें उसके हिसाब से, फर्स्ट पैराग्राफ अगर हम पढ़ें तो इट मीन्स द एबिलिटी, ए है इट मीन्स द एबिलिटी टू परचेज एंड बाय एंड पे फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये तो नहीं है। जिस मैंने बोला बी है इट मीन्स द एबिलिटी टू रेंट एंड पे फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज एंड व्हेन इट इज यूज्ड रादर देन बाइंग एन एक्सपेंसिव लाइसेंस और पावरफुल कंप्यूटर्स। इट मीन्स टू बाय एक्सपेंसिव लाइसेंस और पावरफुल कंप्यूटर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, बोथ बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ओनली बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड फिल इन द ब्लैंक इन ए टू मेक अ कॉन्टेक्चुअली एंड करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ए जो हमारा ब्लैंक था वो यहाँ था, सॉफ्टवेयर ए सच एज ओरेकल एंड सैप हैव बीन पिवोटिंग टू दिस मॉडल। तो अगर हम ए देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड फिल इन द ब्लैंक इन ए, तो ए की जगह हमें फिल करना है Calamity, Behemoth, Apricate, Paradigm, both A and B. तो उसकी जगह अगेन Behemoth आएगा। Behemoth का मतलब होता है something that is enormous या something large or huge. तो answer is B. Question number 11. A phrase is given in bold, ebbs and flows. What is the meaning of the phrase? Ebbs and flows का मतलब होता है a recurrent pattern of coming and going or decline and regrowth. तो coming and going आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है. A phase where one is caught in a dilemma, नहीं. Depreciation of a machine or computer even over long time use, नहीं. Profit and loss together, no. A recurrent pattern of coming and going, yes. Answer is D. Question number 12. According to the passage, which is the most contributing factor to one in every 10 startups failing within the first 12 months? Agar aap last paragraph dekhe, passage ka, toh aapko answer mil jayega iska. Iska answer hai demand supply mismatch using a rental or pay as you go model. B, when time to hire on board and handoff are accounted for, employers only get about 9 months of productive work from each engineer. C, quality of programmers is not good and training is costly. D, top notch software engineers are in short supply. E, both A and B. Iska answer hai B. Last paragraph mein hoga iska answer B. Question number 13, which of the phrases can fill in the blank given in C in the passage above? A, these boots disappeared. B, these boots disappear. C, these boots disappearing. D, these boots are disappeared. E, these boots is disappeared. Question number 13 mein hai, A, these boots disappeared. Answer is A. Question number 14, which of the words can replace the word given in bold B without changing the meaning of the sentence? Amends. B mein tha word alter. ऑल्टर वर्ड है बी में, बी में वर्ड है ऑल्टर। आपको इसको चेंज करना है और बताना है। ऑल्टर मतलब चेंज करना कुछ, अमेंड्स का मतलब भी चेंज होता है, तो यहाँ पर आएगा अमेंड्स। आंसर इज डी, सबका मतलब होता है सेम, तो
रुइन का मतलब होता है खराब करना या डिस्ट्रॉय, सिर्फ अमेंस का मतलब होता है चेंज करना, तो आंसर इज डी, वो रिप्लेस करेगा इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अबव. ISD और STD कॉल बूथ्स इन अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एज अ सर्विस डिलीवरी, बी हायरिंग टॉप इंजीनियर्स लोकली इन सिलिकॉन वैलीज इज अ कॉस्टली एंड नॉन स्केलेबल, सी फर्म्स इन द क्वेस्ट फॉर डिजिटल डिसरप्शन विल बी लुकिंग टू कम्पीट टू कीप देयर कॉम्पिटिशन इन एंड सो वुड प्रेफर रेंटिंग दैन परचेजिंग, डी बोथ ए एंड बी, ई ऑल ए बी एंड सी. 15 का आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी कैन बी आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, आंसर इज डी. गाइस ये था हमारा डिस्कशन फॉर डे 12 ऑफ IBPS 2019 का इंग्लिश लैंग्वेज क्विज का डिस्कशन. थैंक यू. Good afternoon, everyone. Welcome to Bankers Adda. Today is day 12 of CUR IBPS 2019 Fateh. Directions 1 to 5. Aaj ki file alphanumeric series based hai. Question number 1. Which letter will be third to the left of 18th letter from the right? So 18th letter from right plus third letter left. So 31st letter from right hoga. So clearly jo ki hai hamara R, isliye option E hamara correct answer hai. Question number 2. Which of the following letter is third to left of 6th from the left? So 6th from the left is clearly R and 3rd to the left of R is H. Therefore, option E is the correct answer. Question number 3. Which of the following is the 5th to the right of 13th letter from the left end? So 13th from the left. Plus 5th right, that is equals to 18th from the left. So it's clearly F. Isliye option E hamara correct answer hai. Which of the following is 5th to the right of 3rd from the left? So third from the left plus fifth to the right gives us eighth from left, jo ki clearly hai N. Again, option E hamara correct answer hai. Question number 5. Which of the following letter is fourth to the right of eighth from the right? So eighth from the right minus fourth from the left. Sorry, fourth from the right. Yes, fourth from the right. Jo ki clearly hai W. इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. डायरेक्शन 6 to 10. ये कोडेड अल्फान्यूमेरिक है. हमें लेटर्स के कोड दिए गए हैं और 3 कंडीशंस हैं. अगर कोई कंडीशन हमारे क्वेश्चन में फॉलो हो रही है तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग का कोड होगा, और अगर नहीं होती है तो एज इन जनरल जो कोड दिया गया है बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग वो कोड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. IRHMEJ, अगर फर्स्ट कंडीशन देखें जहां पे हमारा लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज अ वॉवल
एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट. तो क्लियरली ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज. सो क्लियरली जे का कोड हो जाएगा आई का कोड और आई का कोड हो जाएगा जे का कोड. तो आई हो जाएगा टू, आर एज इट इज वही रहेगा, एच भी एज इट इज वही रहेगा, एम ई एंड जे का कोड हो जाएगा आई का, दैट इज सेवन, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है. इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन. ए एल एफ जे एच ई. अगर हम थर्ड कंडीशन में देखें जहां पे फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों वॉवल है, हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोड होगा. दे आर टू बी कोडेड फॉर द फर्स्ट लेटर, मतलब ए के अकॉर्डिंग. तो ए का कोड हमें पता है सिक्स, तो सिक्स एल एफ जे एच एंड अगेन सिक्स, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन एट. एफ आई के एल आर यू. सेकेंड कंडीशन देखे, फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रुप इज अ कॉन्स्टेंट, सेटिस्फाई हो रहा है, एंड द लास्ट लेटर इज द वोवल, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा. तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट लेटर, दैट इज यू के अकॉर्डिंग. तो यू का कोड है एट, आई का कोड हो जाएगा सेवन, के का कोड है हैश, एल का कोड है नाइन, आर का कोड है फोर, एंड अगेन यू का कोड हुआ एट, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर है. डायरेक्शंस 9 to 10. व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड. सो फर्स्ट वर्ड को लेते हैं ई एम एफ एच टी वाई एफ जे जी एस के वाई ओ एन ई एंड एक्स आर बी. तो क्लियरली सिर्फ दो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंगफुल वर्ड हैं स्काई और वन, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 10. इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच वोवेल इज चेंज्ड टू नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, तो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस और वोवेल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे, देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट वन वोवेल. सो एम हो जाएगा एल, ई का होगा एफ, एफ का हो जाएगा ई, टी का होगा एक्स, एच का होगा जी, वाई का हो जाएगा एक्स, जे को होगा आई, एफ का हो जाएगा ई एंड जी का हो जाएगा एफ, के का हो जाएगा जे, एस का हो जाएगा आर एंड वाई का हो जाएगा एक्स, एन का हो जाएगा एम, ओ का होगा पी एंड ई का होगा एफ. वैसे ही लास्ट वर्ड को करेंगे तो होगा क्यू डब्ल्यू एंड ए. तो क्लियरली एक यहाँ और एक यहाँ, तीन वर्ड्स में हमारा वॉवल्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11. इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. सो अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो पहले होगा जे एफ जी, के एस वाई, एम ई एफ, एन ओ ई, आर एक्स बी एंड टी एच वाई. तो थर्ड फ्रॉम द राइट इज क्लियरली एन ओ ई, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 12. इफ ईच लेटर इन द ईच वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन
first and second letter are interchanged in each word, then how many meaningful words will be formed? So पहले alphabetically arrange कर देते हैं, E F M H T Y F G J S sorry K S Y E N O and B R X. अब फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो हो जाएगा एफ ई एम टी एच वाई जी एफ जे एस के वाई एन ई ओ एन आर बी एक्स. तो क्लियरली एक ही है जो एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. डायरेक्शंस 13 to 15. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th to the left of 14th element from the left. So 10th to the left hai of 14th from the left. Isliye hoga 4th from the left. That is I. इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल. सो वॉवल प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ वॉवल, तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए. तो क्लियरली पहले ही एक हमें पेयर मिल गया, दैट इज 6EI then 3AU, उसके अलावा कोई और पेयर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई दैट इज 2 हमारा करेक्ट आंसर है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट. सो सिंबल फॉलोड बाय अ नंबर एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. सो क्लियरली हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव टीटेट क्विज बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम्स फॉर आईबीपीएस. ओके, सो टुडे इज 4th फरवरी 2019. सो टुडे इज डे 12. नाउ द टॉपिक्स इज एज प्रॉब्लम्स. ओके, सो हियर देयर विल बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन age. Okay, age problems. Now we will see the questions. The first question is, if the average age of father, mother and their two sons is 41 years and 5 years ago the ratio of ages of father, mother and two sons, elder and younger, in bracket it is mentioned, was 7:4:3:2, then find the sum of ages of two sons after 6 years. Okay, so here average is 41 years and 5 years ago ratio is given as this. So current age is left 5 years ago, or we can say let 5 years ago the age of father, mother and sons, elder and younger, in bracket it is mentioned, were how many? 7x, 4x, 3x and 2x respectively. Okay, now present age father, present age of father will be 7x plus 5, because 7x is the age of father 5 years ago and mother, age of mother will be present age of mother 4x plus 5. Similarly elder son
3x plus 5 and younger son 2x plus 5. And according to the first statement, average is 41 years. So summation of all these 7x plus 4x, 11x plus 3x, 14 and 2, 16. So this is 16x plus 5, 4 times 5, that is 20 divided by 4. This is equal to 41. From here 16x will be equal to 41 into 4, that is 4, and 4 into 4 is 16 minus 20. From here x will be, this is 144 upon 16, and 144 upon 16 will be 9, because 16 into 9 is 144. So the value of x is 9. Now sum of ages of two sons after 6 years. So required answer will be, present age of two sons will be 4x plus 3x plus 5 and 2x plus 5. So 9 into 3, this will be 27, and 5, 32, plus this is 9 into 2, 18, 5, 23. So 23 and 6 year after. So 6 plus 6, okay, this all will be 2, 3, 5 and 6, 11, 6, 17, and 3, 2, 5, 1, 6. So 67 will be the sum of two sons after 6 years. So this is the required answer, and if you look at options, E will be the right option. The next question, question number second. In the second question, a person's present age is 2.5 times of his son's present age, whereas the ratio of his wife's present age and to his present age is 5:6. 10 years ago, the ratio of person, his son and his wife's age is 25:7:20. Find the present average age of all of the three. So here, every 10 years ago, average age is given. So similarly, as first question, 10 years ago, person's age let 25x, son's age 7x, and wife's age 20x. So present age will be, present age of all of the three will be persons 25x plus 10, because 10 years ago the age ratio was 25, 7 and 20, and son 7x plus 10, and wife 20x plus 10. Okay, and present age of person is 2.5 times of his son's present age. So according to question, 25x plus 10, this should be equal to 2.5, means 5/2 present age of son. So 7x plus 10, okay, and from here we can find the value of x. So this will be here, this is 50x plus this will be 20, and this is 7 into 5, 35x, and this is 10 into 5, 50. So from here this is 15x and this is 30. So value of x will be 2. Okay, so the present average is asked. So required average will be, required average 1/3. Present age of person will be 25x plus 10.
So 25 into 2, 50 and 10, 60. And mother's age, so 22x, that is 40 plus 10, 50. And son's age will be 7 into 2, 14 and 10, 24. So this will be 6, 5, 11, 11, 2, 13. So this is 134 divided by 3 years. Okay. Now we can say 4 and 134 upon 3 will be 3 into 4, 12. Remainder 1, 1, 4. Again 4 and 2 by 3 years. Okay. So this is the required average age of all of the members of family. 44 into 1, 2 by 3 years. So if you look at options, they will be the right option. And here, there is no need of this statement. Okay, 5 into 6. Okay, now B will be the right option. Now we'll move on next question. Question number 3rd. In the 3rd question, the sum of present age of B and Abhi is 56 years. The age of Abhi 2 years hence is equal to the age of Satish 2 years ago. And the average of present age of Satish and Abhi is 26 years. Then find the present age of Veer. Okay. So here, present age of Veer and Abhi is 56 years. Let present age of Veer x years, then present age of Abhi will be 56 minus x years. Okay, and the age of Abhi 2 years hence is equal to the age of Satish 2 years ago. So here Satish present age will be Satish present age. From last statement, average of present age of Satish and Abhi is 26 years. This will be 26 into 2, that is 52, minus present age of Abhi. Abhi 56 minus x, so 56 minus x. This will be x minus 4. Okay. This is the present age of Satish and the age of Abhi 2 years hence is equal to the age of Satish 2 years ago. So according to question, 2 years hence age of Abhi. So this is Abhi, 56 minus x plus 2. This is equal to age of Satish 2 years ago. So x minus 4 minus 2. From here we will find the value of x. This is 56 plus 2, 58. And minus 4 minus 2, this will come this side, so this is minus 6, so this side will be plus 6, and this is equal to x, and minus minus this side, this x will come this side, so xx 2x, so from here this is 64, so value of x will be 64 upon 2, that is 32. This is the present age of V. So if you look at options, D will be the right option. Okay. So the present age of Veer is 32 years. Now we will see the next question. Question number 4th. In the 4th question, the average age of 60 students in a college was calculated as 21 years. Later, it was realized that the age of one of the students was taken as 54 years. Instead of 24 years, then find the actual average age of all of the students. So here actual average age will be average of ages will be, this is 60 into 21, total age of all of the students, minus wrong value, that is 54. So 54 and actual value in place of 54 is 24, so this is 24 divided by total number of students 60,
So this will be 21 into 6, 6, 1, 2. So this is 1, 2, 6, 0 minus 54 minus 24, 30 divided by 6, 0. So your 0, 0 cancel. This is 1, 2, 3 divided by 6. And this is 2, this is 4, 1. So 41 upon 2 years, or you can say 20.5 years. Okay, so this is the actual average age of all of the students, 20.5 years. So if you look at options, they will be the right option. Okay, next question, question number 5. In the 5th question, present age of mother is 3 times the present age of his son. 5 years hence, mother's age will be 5 by 2 times the age of his son. After 10 years from now, mother age will be how many times of the age of his son at that time? Okay, so 10 saal baad mother's age, uske son's age ke kitne time hogi us time, after 10 years. So here, yeah, present age of mother is 3 times the present age of his son. So let age of we can say present age of son present age of son is x years, then present age of mother will be 3x. Okay, and 5 years since mother's age will be 5 by 2 times the age of his son, so according to question, 3x plus 5, this is 5 by 2 x plus 5. From here, value of x will be obtained. This is 6x and this is 10. This is 5x. This is 25. So value of x will be 25 minus 10, that is 15. So present age of son is 15 years and present age of mother will be present age of mother will be 15 into 3, that is 45 years. Okay, so required answer, after 10 years age of mother will be 45 plus 10, and after 10 years son's age will be 15 plus 10, that is 15 plus 10. So this is 55 and this is 25. So here this is 11 by 5. Okay, or we can write this 2.2 times. Okay, so mother's age after 10 years will be 2.2 times of the age of her son. Okay, so this is the required answer, and if you look at options, D will be the right option. Okay, next question, question number 6. In the 6th question, average age of all of the employees in a company is 32 years. 60% of the employees in the company are female, and the ratio of the average age of all female to average age of all male employees is 6:7. Find the average age of all of the male employees if there are total 50 employees in the company. So here total employees are 50% and 60% of the employee in the company are female. So female employee will be 60%, 60 upon 100 into total employee 50, that is 30. Okay, and male employee will be 50 minus 30, that is 20. Okay, and ratio of average age of all female to average age of all male employees 6:7,
and total average of total employees is 32 years. So according to question 30 into 6x plus 20 into 7x divided by total employees 50, and this is equal to 32. Here 6x is the average age of female, and 7x is the average age of male. Okay, so from here this is 180x, or we can say here 0 0 will be cancelled, 0 0 0, so this is 18x, and this is 14x, and this is 32 into 5, so this will be 5 into 2 10, and this is 1 6, so this will be 32x equals to 160. From here value of x will be 5. Okay, so this is the value of x. Now find the average age of all of the male employees. Okay, so the required average will be or you can say required answer here 7x, 7 into 5 into 20 upon 20, so this is cancelled, or you can say directly 7 into 5, that is 35 years. Okay, this is the required average age of all male employees in the company, 35 years. So if you look at options, A will be the right option. Okay, next question, question number 7th. In the 7th question, the age of father is 4 times the age of his son. 5 years ago, the age of son was 1/5 time of his father's age. Find the present age of his son. So here, let age of son x, then age of father. You can assume A, B, C, D, anything. 4x, okay. 5 years ago, this was 1/5. Age of son was 1/5 of his father's age. So according to question, 4x minus 5. 4x minus 5, this is equal to 5 times of x minus 5. So from here, this is 4x minus 5. This is 5x minus 25. So value of x will be, x is equal to 20. Okay, so this is the age of son. So age of father will be, okay, so there is no need of age of father, because in the question present age of son is asked and we have found it, this is 20 years. So if we observe at options, A will be the right option, that is 20 years. Now we will move on next question, question number 8. In the 8th question, the sum of the ages of mother and daughter is 65 years. 10 years ago, the product of their ages was 5 times the age of mother at that time. Then find the ratio of the present age of mother to the present age of daughter. Age of mother is greater than 30 years. Here in bracket it is mentioned, age of mother is greater than 30 years. So here let age of daughter A, so age of mother 65 minus A. Okay, 10 years ago, product of their age was 5 times the age of mother, so A minus 10, and this is 65 minus A minus 10, that is 55.
माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स एज ऑफ मदर एट दैट टाइम. सो दिस इज 5 टाइम्स 55 माइनस ए. तो वी कैन से हियर 55 माइनस ए विल बी कॉमन एंड दिस विल बी 5. अब वी कैन से ए माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके सो हियर दिस विल बी 55 माइनस ए एंड दिस इज ए माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. सो हियर एज ऑफ मदर इज ग्रेटर देन 30 इयर्स, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके सो द एज ऑफ डॉटर विल बी, एज ऑफ डॉटर विल बी 15 इयर्स, सो एज ऑफ मदर विल बी 65 माइनस 15 दैट इज 50 इयर्स. ओके सो रेशियो, सो यह रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, रिक्वायर्ड रेशियो एज ऑफ मदर 50 एंड एज ऑफ डॉटर इज 15. सो दिस इज यर 5 इज कॉमन, सो 10 इज टू 3. अब वी कैन से 3 इज टू 10. सो इफ यू लुक एट ऑप्शन 10 इज टू 3 इन ऑप्शन ए, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन. ओके Now we will move on next question. Question number 9th. In the 9th question, the age of Abhishek is 3/4 of the age of Ayush. The age of Ayush is 11 years more than the average age of his two sons, whose total age is 50 years. Then find the difference of age of Abhishek and Ayush. So here age of Ayush will be 50/2 plus 11, because 11 years more, so this is 25 and 11, 36, so this will be 36 years, and the age of Abhishek is 3/4 of the age of Ayush, so required difference 1 minus 3/4 age of Ayush 36, so this is 1/4 of 36, so 36 upon 4, this is 9 years. Okay, so the required difference is 9 years, and if we observe options, E will be the right option. Okay, next question, question number 10th. In the 10th question, question number 10th, 3 years ago, average age of A, B and C is 27 years. 4 years hence, ratio of A and C's age is 7 is to 10. If B is 6 years younger than C, then find the present age of A. Okay. So here, 4 years hence, age will be 7x and C's age 10x according to given ratio, and B is 6 years younger than C, so B's age will be here. B's age is 6 years younger than C, so this is present. So here present age of A will be, present age of A, this will be 7x plus 4 years hence is 7x minus 4, and present age of C will be 10x minus 4. So present age of B will be
present age of B will be 6 year younger, so 10x minus 4 minus 6, that is 10x minus 10 years. Okay, so this is the present age of B. Now average age 3 years ago was 27, so this is present age of A, present age of C, and present age of B. So this is 7x minus 4 minus 3, that is 7x minus 7. So this is 7x minus 7 plus 10x minus 7, because minus 4 minus 3 will be 7, plus 10x minus 10 minus 3, that is minus 13 divided by 3, and this is equal to 27. So here 10 10 20 and 7 27x, and this is 7 7 14 and 13, this will be 27. Okay, and this is equal to 27 into 3. So from here x minus 1 will be equal to 3, so value of x will be 4, and present age of A will be, age present age will be 7x minus 4, so 7 into 4 minus 4, this is 24 years. This is the present age of A, and if we observe options, A will be the right option. Okay, next question, question number 11th. In the 11th question, 5 years ago age of Ankur is 3 times of the age of Arun at that time. Ratio of age of Arun 5 years hence and the age of Ajay 5 years ago is 3:5. If difference between age of Ajay and Ankur is 10 years, Ajay is younger than Ankur, in bracket it is mentioned, then find the age of Arun. Okay, so here let, in each question we will assume, let Ankur, here Ajay is younger than Ankur, so here let age of Ajay is x years, so age of Ankur, age of Ankur will be x plus 10. Okay, because Ajay is younger than Ankur. Okay, and 5 years ago age of Ankur is 3 times the age of Arun at that time. So Arun's age minus 3, 5 years ago, sorry, so this is 5, and this is age of Ankur is 3 times the age of Arun, so this will be equal to 1 by 3 age of Ankur at that time. So age of Ankur, present age of Ankur is x plus 10, so this is x plus 10 minus 5. Okay, so this is x plus 5, so Arun's present age will be, present age will be x plus 5 divided by 3 plus 5. Okay, and here ratio of age of Arun 5 years hence and age of Ajay 5 years ago was 3:5. So according to question, age of Arun 5 years hence, so this is Arun's present age, so this is x plus 5 upon 3 plus 5 plus 5 divided by age of, and age of Ajay 5 years ago, so age of Ajay is x, so this is x minus 5, this is equal to 3:5, so this will be 10, so this is x plus 5, 10 into 3 30, and this is 3 x minus 5 equal to 3 by 5.
So from here we will find the value of x. This is 30 plus 5, 35. So 5 into x, 5x, and this is 35 into 5. So 35 into 5 will be 5, and this is 1, 7. So this is 175. This is equal to 3 into 3, 9. So 9x minus 3 into 3 into 5. So 45. So here 4x will be equal to 175 minus 45. This is 130. Okay. This is 175 plus 45. This will be 0. 7, 4, 11, 1, 12, 1, 1, 2. So from here value of x will be 5 and 5. Okay. So this is the age of Ajay. This is the present age of Ajay. So present age of Arun will be, Arun's age 55 plus 5, that is 60 upon 3 plus 5. This is 20 plus 5, that is 25 years. Okay, so this is the present age of Arun. So if you look at options, E will be the right option. Now we will move on next question. Question number 12th. This was 11th question. Now we will see 12th question. In the 12th question, ratio of age of Amit and Sumit 5 years ago is 5 is to 4, and age of Amit is 3 years hence, and age of Amit 3 years hence is same as present age of Raghav. If average age of all of the 3 2 years hence is 22 years, then find the present age of Sumit. So this is ratio of age of Amit and Sumit 5 years ago is 5 is to 4. So present age of, or we can say 5 years ago, if age of Amit age of Amit 5x and age of Sumit 4x, then present age of Amit and Sumit, Amit and Sumit, this is 5x plus 4, 5, and this is 4x plus 5. Now age of Amit 3 years hence is same as present age of Raghav. So present age of Raghav will be 3 years hence age of Amit 5x plus 8, 5x plus 5 plus 3, that is 5x plus 5 plus 3, this is 5x plus 8. This is the present age of Raghav. Now according to question, average of all the 3 is 22. So this is 5x plus 5, 4x plus 5 and 5x plus 8. This is equal to 22 into 3. From here 5x, 5x, 10x plus 4, 14x, and this is 5, 5, 10, 10, 8, 18, and this is 6, 6. So from here 14x will be equal to, here 16 minus 8, 8, and 5 minus 1, 4. Okay. So this is equal to, value of x will be 48 upon 14. Here age of Amit 3 years hence is same as present age of Raghav.
Average age of all of the three, 2 years hence is 22 years. Okay, so this will be equal to, sorry by mistake, I have calculated average of present ages. So here plus 2 will be add in age of all the three. So here extra 6 will come because plus 2 will be here and plus 2 will be here and plus 2 will be here. So due to this, here extra 6 will be come, plus 6 will come because average is given as 2 years hence. Average of 3, 2 years hence is 22 years. So this is equal to 22 into 6, 3. Now this is 10 and 4, 14. So 14x, and this is equal to 8, 5, 5, 10. 10, 8, 18, 18, 6, 24. So this is 24 and this is 66. Now 14x will be equal to 42. So the value of x will be 3. Okay. So present age of Sumit will be, present age of Sumit, this will be, this is Sumit, 4x plus 5. So 4 into 3, 12, and 5, 1, 7. That is 17 years. This will be the present age of Sumit. So if you look at options, A will be the right option. Okay, next question. Question number 13th. In the 13th question, ratio of age of Vikas to age of Rohit is 2:3 and average age of Rohit, Vikas and Rahul is 23. When Arjun joins the group, average age of these four person is 25 years. Calculate sum of age of Arun and Rahul if Rahul is 13 years older than Vikas. So here average age of Rohit, Vikas and Rahul is 23. And Arjun, when Arjun joins the group, average age of four person is 25. So here average age of Arjun, this is 25 into 4 minus total age of Rohit, Vikas and Rahul, this is 3 into 23, so this is 100 minus 69, so this is 31 years. Okay, this is the Arjun's age. Now here ratio of Vikas to Rohit's age is 2:3 and here Rahul is 13 years older than Vikas. So here let Vikas age 2x and Rohit's age 3x, then Rahul's age will be, and Rahul is 13 years older than Vikas, so Rahul's age will be, Rahul's age 2x plus 13. Okay, and average of all of these three is 23, so this is 2x, this is 2x plus 3x plus 2x plus 13, this should be equal to 3 into 23. So from here 2x, 2x, 4x and 3, 7x, this will be equal to 69 minus 13, that is 56. So value of x will be 8. Okay, so sum of a of Arun and Rahul. So here the required answer will be Arjun and Rahul. Arjun's age was 31, so this is 31 plus
Rahul's age. Rahul says is 2x plus 13, so 2 into 8, 16 plus 1, 3, this is 6, 3, 9, 1, 10, and 3, 2, 5, 5, 1, 6. Okay, so this is the required answer, 60 years. That is option C will be the right option. Now we will move on next question, question number 14. In the 14th question, in a group of 4 friends, ratio of present age of A and D is 4 is to 5 and that of B to C is 3 is to 4. Calculate the present average age of A, B and C if 4 years ago A was 20 years younger than C and at present C is twice of age of A. So here, ratio of present age of A and D 4 is to 5 and B to C is 3 is to 4. A was 20 years younger than C and at present C is twice of age of A. So here let present age of A 4x and present age of C 4y, because these two are different ratios. Okay, so 4 years ago A was 20 years younger than C, so this is 4x minus 4 and this will be equal to 4y minus 4 minus 20. So from here one equation will form. This is 4 is common in all, so this is 4 4 4 5. This is x minus 1, y minus 4, 5, 6. Okay, so x minus y will be minus 5. Question 1. And the second equation, at present C is twice of age of A. So C's present age is 4y. This is twice age of A. So this is 8x. Or we can say y is equal to 2x. Okay, so from here, from these two equations we will find the value of x and y. So from these two equations, value of x will be, we will put this value in this equation. So this is x minus 2x, this is equal to minus 5. So value of x will be 5 years. Okay, so present age of A will be, present age of A, this is 5 into 4, 20 years. Okay, and in question, calculate the present age of A, B and C. So here, this is 20 year present age of A. Now present age of C will be, we can say present age of B will be, first C, present age of C, this is, value of y is 2x, so 4 into 2 into 5, this is 40 years. Okay, and present age of B will be, present age of B, ratio of B to C is 3 to 4, so this is 3 by 4 into 4 0, that is 30 years. Okay, so required average here, present average age of A, B and C. So the required average will be, required average 30 plus 20 plus 40. So this is 40 plus 20 plus 30 divided by 3. This will be 90, 90 upon 3, that is 30 years. Okay, 30 years will be the required average. And if you look at options, E will be the right option. Okay, next question, question number 15. In the 15th question, the average age of a group of 6 children is 15 years. From the group, 2 children whose ages were 3 years more than and 5 years more than the average age of, more than the average age left. 4 new children whose average age is 4 years more than the given average age join the group. Find the new average age. So the new average age will be
new average age will be 6 children. So 6 into 15, this is the total average age. 2 children whose age is 3 years more than and 5 years more than the given average. So left, so 15 plus 3, that is 18, minus 15 plus 5, that is 20, and 4 new children. 4 new children whose average is 4 years more than the given average. So 15 plus 4, that is 19 into 4, and this is divided by total number, initial total number of students was 6 minus 2 plus 4, that is 8. So this is 8. Okay, so this is 15 minus 6, 90, this is 38, this is 76 divided by 8. From here 90766 97 16 38 8 and 5 minus 3 2 and 1. So this is 128 divided by 8. So here this will be 2, this is 3 2, so this is 1 6. So this is 16. Now new average age is 16 years. So if you look at options, B will be the right option. Okay friends, so this is the end of this quantitative aptitude quiz. Thank you so much friends for listening to me, and best of luck for your exams.